कोरोना का नया वेरिएंट BF7 तेजी से अपना पांव पसार रहा है। भारत में इसके कई एक्टिव केसेस इस वक्त मौजूद हैं। बिहार में भी कई एक्टिव केसेस कोरोना के मिल चुके हैं। गया में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव बीते दिनों पाए गए हैं। इसी बीच पटना में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला जिसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। उसे अफरा तफरी में IGIMS ले जाया गया, वहाँ उसका इलाज किया गया। उसे किस तरह से ट्रीट किया गया ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में। आपको बता दें, दरअसल में ये एक मॉक ड्रिल थी जिसे आयोजित किया गया था IGIMS द्वारा। डॉक्टरों ने बताया कि इस वक्त पूरे देश में मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर, ताकि कोरोना को के नए वेरिएंट को लेकर पूरी तैयारी की जा सके, पूरी तरह से सजग रह सके हॉस्पिटल्स, और कोरोना पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा सके। आप देख सकते हैं कैसे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल लाया गया और उसे किस तरह से इलाज दी जा रही है, उसका इलाज किस तरह से किया जा रहा है। दरअसल कोरोना को लेकर पटना के IGIMS में कोरोना मॉक ड्रिल किया गया। COVID-19 वार्ड बनाया गया है जिसमें 15 बेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर की तैयारी की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि आज पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और पटना IGIMS में भी केंद्र सरकार के निर्देश के द्वारा डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से मरीजों का इलाज किया जाना चाहिए। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाना है, इसे लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया, ताकि सभी डॉक्टरों को यह जानकारी हो सके कि किस तरह से कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिलने पर एक्ट करना है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग करते रहें। वहीं ऑक्सीजन को लेकर भी डॉक्टरों का कहना है कि वह निश्चिंत रहें, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना का नया वेरिएंट भारत में आ चुका है और तेज़ी से पांव पसार रहा है। बिहार में भी कोविड के 11 एक्टिव केसेस इस वक्त मौजूद हैं। इसे लेकर बिहार सरकार लगातार कह रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति काबू में है और बिहार सरकार पूरी तरह से सजग है और हॉस्पिटल्स में पूरी तैयारी है कोविड की आने वाले लहर को लेकर। आपको बता दें, इस वक्त बिहार के गया में 11 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद हैं। ये सारे ही पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव हैं वो बिहार के नहीं हैं, ना ही भारत के हैं, ये विदेशी नागरिक हैं जो कि कालचक्र पूजा में सम्मिलित होने के लिए विदेशों से गया बिहार में पहुंचे थे। इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है उन्हीं के होटल रूम में और इनके हालत पर नज़र रखी जा रही है। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।